बच्चों, आज हम पाठ 3 हिमालय की बेटियां पाठ को समझेंगे। इस अनुच्छेद में लेखक ने हिमालय और समुद्र का मानवीय संबंध ससुर दामाद का तथा वहां से निकलने वाली नदियों का उसके साथ पति पत्नी का संबंध बताया है। पहाड़ी नदियों को अपना घर छोड़कर आते देख लेखक विस्मित होकर सोचता है कि ये नदियाँ कहाँ भागी जा रही हैं, इनका लक्ष्य क्या है जिसे पाने के लिए इतनी बेचैन हैं, अपने पिता का प्यार पाकर भी अतृप्त हैं, ऐसा वह कौन है जो इनके अतृप्त हृदय की प्यास मिटा सकता है। लेकिन जब लेखक ने देखा कि हिमालय से निकलने वाली छोटी बड़ी नदियाँ जो उसकी बेटियाँ हैं मिलकर समुद्र की ओर बढ़ती हैं, हिमालय की आंगन छोड़कर आई इन नदियों का हाथ थामने का श्रेय समुद्र को ही मिलता है। हिमालय की बेटियों का हाथ थामने का श्रेय पाने के कारण लेखक ही उसे सौभाग्यशाली मानता है। अब सारांश, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महान नद हैं जिनमें रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक आदि नदियां समाई हैं। ये महानद स्वयं में कुछ नहीं है, अर्थात इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि हिमालय के पिघले हृदय की एक एक बूंद हैं जो एकत्र होकर सागर से मिलने जाती हैं। वह सागर सौभाग्यशाली है जिसे हिमालय की इन बेटियों का हाथ थामने का अवसर मिला। जिस प्रकार माँ बाप की गोद में छोटे बच्चे नंग धड़ंग खेलते हैं, उसी प्रकार ये नदियाँ अपनी बाल्यावस्था में अपने पिता हिमालय की गोद में खेलती हैं और बड़ी होने पर समुद्र इनका हाथ थाम लेता है। इस प्रकार हिमालय इन नदियों का पिता और समुद्र के साथ दामाद का संबंध बन जाता है। कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत के नायक मेघदूत से यक्ष के माध्यम से वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देने का आग्रह किया है। कवि ने वेतवा को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। लेखक सोचता है कि उसी की तरह कालिदास को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। वास्तव में इन नदियों को पहाड़ी, घाटियों और समतल मैदानी भागों में अलग अलग रूपों में जो भी देखेगा वह ऐसा सोचेगा, क्योंकि ये नदियाँ अपने हर रूप में लोगों को आकर्षित करती हैं। अच्छा बच्चों, आज बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।